खबर सोनीपत से, गन्नौर पहुंचे डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा। डिप्टी स्पीकर ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। जो भाजपा ने सरकार किसानों के लिए किया है वह अन्य किसी सरकार ने भी नहीं किया। आंगनबाड़ी हड़ताल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सीएम से बात हो चुकी है, जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है। ने कहा कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जिस तरीके से पिछले 7.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आई है, और जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं ट्रांसपेरेंसी के आधार पर काम कर रही है, चाहे आप हरियाणा की बात ले लें चाहे यूपी की बात ले लें, मतलब जो नौकरियां थी जहां पहले सरेआम जो है या तो पैसे वालों को नौकरियां मिलती थी या एमएलए एमपी मुख्यमंत्री की सिफारिश पर नौकरियां मिलती थी, आज योग्यता के आधार पर नौकरियां देकर के युवाओं के अंदर एक विश्वास कायम करने का काम किया है। इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और देश का गौरव विश्व पटल के ऊपर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बढ़ाने का काम किया। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो 5 राज्यों के चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता फैसला करने के काम करेगी।